आज पंचायत भवन जीएलगढ़ा में संपन्न हुआ आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। राजस्व कर्मचारी की अनुपस्थिति में हो रही है परेशानी। सरकार आई है जनता के दरबार और राजस्व कर्मचारी हैं हड़ताल में। ऐसे में कैसे होगी यह व्यवस्था, जरूर हो रही है परेशानी। मैंने यही सवाल किया अंचल अधिकारी गोविंदपुर से। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम बिना कर्मचारी का इस बार आया, कर्मचारी हड़ताल पर हैं, कितनी कठिनाई हो रही है इस कार्यक्रम को पूरा करने में या क्या परिस्थिति है? आज आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम बड़ा पंचायत भवन में आयोजित किया गया है। सारे स्टॉल लगे हुए हैं, प्रखंड से संबंधित स्टॉल लगा हुआ है और अंचल का भी स्टॉल लगा हुआ है, सारे लोग आवेदन दे रहे हैं। ये बात सही है कि कर्मचारी अभी वर्तमान समय में हड़ताल में है और आज से आवेदन मिलने लगे हैं। कुछ आवेदनों में कर्मचारी की रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, नामांकन भी कर्मचारी की आवश्यकता होती है। आगे चल करके यदि कर्मचारी इस तरीके से हटते हैं काम पे वापस लौटते हैं तो आवेदनों को सबसे निष्पादन करने में सुविधा होगी। समय निष्पादन नहीं हो पा रहा है और आज के बाद भी अनेक पंचायतों में योजनाएँ चल रही हैं। आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार के तहत आज के बाद कल परसों में आयोजन होगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अभी आवेदन आ रहे हैं रिसीविंग दे रहे हैं और शासन उसका निष्पादन करने का प्रयास। थैंक यू। अब सुनिए जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि क्या बोले। आप जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि हैं, यहाँ जो देख रहे हैं अभी सीओ तो हैं, कर्मचारी नहीं हैं, कैसे हो रहा है जनता का काम? देखिए कर्मचारी लोग तो हड़ताल पे हैं और जो उनके लॉगिंग में जो काम चढ़ चुका था वो काम तो हो रहा है और जो लॉगिंग में नहीं चढ़ा है वो काम अभी रुकेगा। लेकिन ये जो काम अभी जो पेपर जो जमा हो रहा है तो जैसे उन लोगों का हड़ताल टूटेगा तो उसका रोटी काम शुरू होगा। क्या एश्योर दे रहे हैं यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी जो भी आए हैं कि जो काम होगा वो सही से होगा? देखिए उन लोग तो आश्वासन दिए हैं कि हम लोग काम अच्छे से करेंगे और कर रहे हैं। पिछले बार आप घूमे थे, उस समय आप पद पर नहीं थे, फिर भी आप सब जगह घूमे थे, कितना आप देख रहे हैं काम हो पाया है अभी तक पिछला बार काम चर्चा करते? देखिए पिछला बार काम जैसे कि पेंशन वाला और विभिन्न तरीके का काम हुआ, जैसे कि जमीन का भी कुछ काम हुआ, लेकिन जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं हुआ। और इस बार दूसरी बार जब ये सरकार आपके दौर पर लगा है तो मुझे आशा है कि इस बार काम बहुत अच्छे तरीके से हो। आप जनप्रतिनिधि हैं, सबसे अधिक समस्या लेकर के आ रही है जनता यहाँ? तो सबसे ज़्यादा समस्या तो अभी पीएम आवास और पेंशन का ही चल रहा है और कुछ मोटेशन वगैरह भी चल रहा है, ज्यादा पेंशन और आवास। एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार इसको कर नहीं सकती है, तो गरीब जो पैसा लगा कर यहाँ आते हैं 150 लगे 100 लगे जीरोक्स करा के जो वहाँ आते हैं और उसका होता नहीं है, तो क्या आपको लग रहा है ये सही है, कैसे लेना चाहिए? नहीं ऐसे तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन देखिए कोशिश कर रहे हैं सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कि जो भी कागज आप दे रहे हैं तो इसको अभी नहीं चढ़ेगा तो 2 महीना के बाद नेक्स्ट प्लॉट में ये चढ़ेगा, मुझे आशा है। और ये चढ़ना चाहिए क्योंकि हर गरीब एक आशा लेके हम लोगों के पास आ रहे हैं और सरकार आपके द्वार जो लगा है जिससे सभी लोगों का बहुत विश्वास है कि इस बार काम हो, क्योंकि पिछला बार तो प्रधानमंत्री आवास योजना में काम हो नहीं पाया। प्रधानमंत्री आवास वाला काम पिछला बार नहीं हुआ है इस काम में, लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि नए प्रतिनिधि जो भी आए और जो सोर्सेज पे लगे रहेंगे और काम होंगे। आखिरी प्रश्न लेंगे आपसे कि क्या इस विषय पर किसी पदाधिकारी से बात हुआ कि जो पिछले बार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दे चुके थे फॉर्म उन्हें फिर इस बार देना होगा या उसी पर लॉगिन हो जाएगा? पिछला वाला कागज का तो बोले कि जो चल चुका है वो हो जाएगा, तो जो नया है वो नया देंगे तो इस बार नया लॉगिन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।